बैसाखी देश का प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 13 अप्रैल या फिर कभी कभी 14 अप्रैल को होता है। अधिकांश पर्व त्यौहार मौसम, मौसमी फसल और उनसे जुड़ी जीवन की गतिविधियों से संबंधित हैं। भारत में महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा में होने के कारण इस महीने को हिंदी में बैशाख कहते हैं। इस प्रकार बैशाख महीने के पहले दिन को बैसाखी कहा गया है और पर्व के रूप में मनाया गया है। बैसाखी अप्रैल में तब मनाया जाता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इस समय से सूर्य की किरणों से तेज गर्मी का आगाज करती हैं। इन किरणों के प्रभाव से जहां रबी की फसल पक जाती है, वहीं खरीफ की फसल के मौसम की शुरुआत हो जाती है। इस पर्व की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता भी बहुत है। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में जहां बैसाखी के रूप में उल्लास को देखा जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत के असम आदि राज्यों में बिहू पर्व मनाया जाता है। लेकिन जिस कारण से बैसाखी को सबसे ज़्यादा माना जाता है वो खालसा पंथ की स्थापना है। खालसा शब्द खालिस से बना है जिसका अर्थ है शुद्ध, पावन या पवित्र। गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में इसी दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए भी बैसाखी पर्व सूर्य की तिथि के अनुसार मनाया जाने लगा। पंथ की स्थापना का उद्देश्य समाज को शासकों के अत्याचारों से मुक्त कर उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाना था। सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव ने भी बैसाखी माह की आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से काफ़ी प्रशंसा की। इसलिए पंजाब और हरियाणा सहित कई क्षेत्रों में बैसाखी मनाने के आध्यात्मिक और धार्मिक सहित तमाम अन्य कारण भी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु के बलिदान के बाद धर्म की रक्षा के लिए बैसाखी के दिन अलग अलग जातियों, धर्मों और क्षेत्रों से चुनकर पंच प्यारों को अमृत छकाया। गुरु गोविंद सिंह जी का शुरू का नाम गोविंद राय था। उनका जन्म सन 1666 में पोष सुदी सप्तमी को पटना शहर में हुआ। उनके जन्म के समय गुरु तेग बहादुर जी असम में थे। बाद में पंजाब लौटने पर उन्होंने परिवार को पंजाब ही बुला लिया। गुरु गोविंद सिंह जी की उनके शिक्षा दीक्षा हुई। गुरु तेग बहादुर जी जिस समय शहीद हुए उस समय गोविंद सिंह जी मात्र 15 वर्ष के थे। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। वो इस बात को जानते थे कि लोगों को शासकों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए सैन्य शक्ति से ज़्यादा लोगों का अवसाद दूर करना और उनमें नैतिक बल भरना ज़रूरी है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने सेना को धार्मिक रूप देने का निश्चय किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से ये काम किया। लेकिन जिस प्रवर्तन के लिए बैसाखी तमाम पर्व त्योहारों का सिरमौर बना, वो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सधर्म और स्वराष्ट्र की रक्षा के लिए संत और सिपाही के समन्वय की अनूठी कल्पना है। शिष्यों के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ाकर मानवता की रक्षा के प्रयोग का श्रेय गुरु गोविंद सिंह जी को है। वहीं हिंदू संप्रदाय के लोग इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्नान भोग आदि लगाकर पूजा की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भागीरथ कठोर तप के बाद माँ गंगा को धरती पर उतारने में इसी दिन कामयाब हुए थे। इसलिए लोग परंपरागत रूप से गंगा स्नान को भी पवित्र मानते हैं और माँ गंगा की स्तुति करते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से भी बैसाखी को शुभ और मंगलकारी माना गया है। इस दिन सौर बैशाख महीने की शुरुआत भी मानी जाती है। वहीं सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं।